महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं। माहिम विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों को लेकर महायुति गठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी है। इस सीट पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, शिवसेना के मौजूदा विधायक सदा सरवणकर और शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यह लड़ाई दिलचस्प तब हो गई जब बीजेपी ने अमित ठाकरे को अपना समर्थन देने का वादा कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने अपने मौजूदा विधायक को मैदान में उतारने का फैसला किया और दोनों ही दल अपने फैसले पर अड़े हैं। बीजेपी को इस बात की उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना विधायक सरवणकर को सीट से हटाकर अमित ठाकरे का समर्थन करेगी। हालांकि भाजपा नेताओं का दावा है कि इस मामले पर शिंदे के साथ समझौता हो गया है। वहीं शिवसेना नेताओं का तर्क है कि अगर वे उम्मीदवार नहीं उतारते तो उनके वोट उद्धव गुट को जा सकते हैं। सरवणकर ने बुधवार को राज ठाकरे से अनुरोध किया कि वे अपने बेटे की माहिम सीट से उम्मीदवारी वापस लें और शिवसेना का समर्थन करें। विधायक ने ट्वीट कर शिवसेना के वफादार के रूप में अपने 40 साल के कार्यकाल और कड़ी मेहनत के दम पर 3 बार MLA बने जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जीवित होते तो वे उनसे अपने रिश्तेदारों के लिए सीट छोड़ने के लिए नहीं कहते। शिवसेना MLA ने कहा, दादर माहिम में बाल ठाकरे के 50 रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया। वे कार्यकर्ता की भावना को संजोने वाले नेता थे। एकनाथ शिंदे साहब को देखिए, भले ही उनका बेटा 3 बार सांसद रहा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया बल्कि एक वफादार शिवसैनिक को ये मौका दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं राज साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ अन्याय ना करें, मुझे अपना समर्थन दें। इस पूरे मामले पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम अमित ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं, सीएम शिंदे का भी यही विचार है। अगर शिवसेना का उम्मीदवार नहीं होता तो उनके वोट शिवसेना यूबीटी को जाएंगे, इसलिए उम्मीदवार दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थिति का समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।